वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। वंदे नंदातिनमः प्रपन्न पारिजाताय कूर्मनेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं।
वर्षी विभूषित करान नवनीर दावात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले राम 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 कई तरह की बातें आई है। समय है छोड़ा, बातें हैं दो तीन आ गई मेरे पास, तो थोड़ा वर्णन होगा। भाई बात यह है, पहली बात तो यह है कि हमारे देश में गोहत्या बहुत बड़े पैमाने में हो रही, बहुत बड़े परिमाण में। अभी 10-12 वर्षों में कभी करीब करीब दुगुनी होने शुरू होगी, प्रत्येक वर्ष में दुगुनी, पहले जितनी होती उससे। और केरल और कलकत्ता में तो बहुत ज्यादा कहा कि हमारे 14 लाख गाय मारी जाती है 12 महीनों में। हम अपने नहीं मारते, तुम्हारे वहां से आती है या मारी जाती है। यहाँ बैल काटे जाते हैं, वो कानून में तो बूढ़े हैं, परंतु जवान जवान भी बैल उसमें साथ में कटते हैं। हम लोग देख कर गए। इससे धर्म की हानि तो है ही, साथ साथ देश की बड़ी भारी हानि है। अभी जो हल चलाकर अपने काम चलाते हैं, उसे अन्न और कपड़ा, ये दो चीज खेती से उत्पन्न होते हैं। खेती अभी बैलों से होती है वो ठीक है, अभी जो यंत्रों के द्वारा होती है उसके विषय में वैज्ञानिकों का कहना है कि भूमंडल मात्र में, पृथ्वी मात्र में जितना कोयला, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये जितने वो 30 वर्षों के भीतर भीतर खत्म हो जाएंगे। इससे ये यंत्र काम कुछ नहीं करेंगे। अभी तो यंत्रों के मुंह में आकर के बैलों की उपेक्षा करके नाश कर रहे हैं, और 30 वर्षों के बाद वो तो कहते हैं पहले पहले ही खत्म हो जाए ये चीजें, तो यंत्र चल नहीं सकेंगे, बैल खत्म हो जाएंगे। रोटी और कपड़ा जो कि आवश्यक वस्तु है, ये कैसे होगी बिना खेती के? और राजस्थान में कई जगह बैलों से ही पानी निकलता है, कुओं से पानी निकालते हैं बैलों के द्वारा। बैल मर जाने से, खत्म हो जाने से अन्न, जल और वस्त्र ये खत्म हो जा रहे, इसके बिना निर्वाह कैसे होगा? ये बड़ी भारी समस्या है, परंतु अभी भाई लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अनर्थ कितना होगा इसका पता नहीं। अभी बाल्यावस्था में बड़े बूढ़े कहते हैं पढ़ाई करो, परंतु बच्चों का खेल में मन रहता है, ऐसा पढ़ाई में लगता नहीं। इस तरह से अभी कहा जाए तो आप खेल में लग रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अपने भविष्य का अध्ययन नहीं कर रहे हो,
ये बड़ी भारी हानि है, बहुत बड़ी हानि होगी जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। परंतु अभी सुनते नहीं है। यहाँ बंबई में कितने बैल कटते हैं। एक दिन हम लोग गए थे, बहुत झुंड का झुंड, बहुत दूर तक बैल खड़े, और वहां सत्याग्रह कर रहे हैं, धरना देंगे हम नहीं कटन देंगे ऐसा, उनको तो महाराज उठाकर मोटरों में लेकर और जगह भेज दे, बैलों को ले लेते हैं, कत्ल कर देते। अब इस तरह से सत्याग्रह करने वाले भी भाई तैयार नहीं होते, जैसे कोई नींद में सोए हुए जो सोए हुए। ये आफत आने वाली है, आ रही है। छोटी लड़की विधवा हो जाती है, माँ चिंता करती, वो माँ तू चिंता क्यों करती, उसके भविष्य को माँ देखती है, उस छोरी को पता नहीं। इसी तरह की दशा देश की हो रही है, बड़ी भारी हानि की बात है। परंतु पैसे कमाना और संग्रह करने के मोह में लोग बड़े जोरों से लग रहे हैं, पता नहीं ये क्या करेंगे, और छोड़कर मरेंगे पता है हमें, पता, और आपको भी कि अंत में छोड़ करके मरना है। इसमें 10 लाख 20 लाख करोड़ 2 करोड़ कम छोड़ करके मर जाओ तो क्या है, और ज्यादा लेकर के मर जाओ तो क्या है। सम्मेल नहीं नहीं किंच दस्त। परंतु आज इस तरफ चेत नहीं कर रहे हैं, होश में नहीं आ रहे हैं, इधर ख्याल नहीं कर रहे हैं क्या दशा होगी अगर देश की। राज के आदमी भी सोचते नहीं है, मोह है विदेशी मुद्राओं मिल जाए, रुपया मिल जाए, धन मिल जाए। धन के कारण, धन के लोभ के कारण आदमी कितना अंधा हो रहा है जिसका कोई ठिकाना नहीं। मेरे विचार में तो जैसे कल्याण के लिए भगवान का आश्रय है, ऐसे नरकों में और सारी लोग दूनी में महान दुख में जाने के लिए रुपयों का आश्रय है। रुपये नहीं है, रुपयों का आश्रय, रुपयों का भरोसा, रुपयों का लोभ, रुपयों की आसक्ति, रुपयों की प्रियता। कोई ऐसा दोष नहीं, कोई ऐसा पाप नहीं, कोई ऐसा दुख नहीं, कोई ऐसी जलन नहीं, कोई ऐसा संताप नहीं जो रुपयों के लोभ से पैदा न हो, ऐसा है ही नहीं। दुख कोई जितने दुख है सब के सब इन द्रव्य के लोभ में है, और लोभ का त्याग करके अच्छे काम में लगाया जाए तो आपका धन सफल हो जाए, जीवन सफल हो जाए, दुनिया आफत से बच जाए, पुण्य भी बड़ा भारी है। पर तो त्याग में है, एक दिन ये सब छूटेगा, उससे कल्याण नहीं होगा। ऐसे छूटने से अगर कल्याण हो तो मरने वालों का सबका कल्याण होना चाहिए, शरीर भी छूट जाता है, धन संपत्ति वैभव कुटुंब भी सब छूट जाते हैं, मुक्ति ही हो जाए, नहीं हो सकती। भीतर से त्याग होने से होगा, लोभ है भीतर, रुपये है बाहर, रुपये दोषी नहीं है, भीतर का लोभ है, आसक्ति है, प्रियता है, जिससे लगन लगी है कि संख्या बढ़ाते ही चले जाए, बढ़ाते ही चले जाए। ये वृत्ति महान अनर्थ करने वाली। इस वास्ते सज्जनों आप सावधान हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो अब 30 वर्षों के भीतर भीतर हम कहने वाले बहुत से बड़े बूढ़े वे तो शायद रहे, पिछड़ी वाली पीढ़ी के लिए क्या आपने सोचा, क्या उसकी दशा होगी, अब भगवान ही जाने। प्रत्येक सोचने की बात है, परंतु मनुष्य को जब अपना अभी मिल गया है इसके अगड़ी दीर्घ दृष्टि है ही नहीं। राज्य करने वालों की गद्दी भी कुर्सी कितना दिन रहेगी, अनर्थ कितना बड़ा भारी हो जाएगा, इसकी तरफ ख्याल नहीं करते हैं। क्या समझा मैं, किस को कहे, कौन सुने, कासो कहो, सुने तो समझे ना है, कहना सुनना समझना मन ही का मनमा, ऐसी अनर्थ की बात।
इस वास्ते भाइयों चेत करो, होश में आओ, सोचो आप, स्वयं विचार करो कि क्या दशा होगी देश की। अभी अगर बचा लो तो कुछ बच सकता है, बहुत सी संपत्ति तो नष्ट हो गई है। क्यों रुपयों का लोग व्यापार भी करते, चमड़े का व्यापार, मांस का व्यापार, गायों का, बैलों का व्यापार, इसमें रुपये पैदा ज्यादा होते हैं, वो व्यापार कर खत्म करो। मांस के दाम बहुत उठते हैं, मांस है, हड्डी है, चर्बी है, खून है, चमड़ा है, जीभ है, आंते हैं, सींग है, खुर है, कलेजा है, इनके जो टुकड़े टुकड़े कर किए जा रहे, बहुत दाम बढ़ते हैं। कसाई खाने के घर के आगे जाते 4,000 रुपये गाय के हो जाते हैं और बहुत रुपयों से पैदा होते हैं। क्यों रुपयों के लोभ से ये हत्या हो रही? परंतु हमारे भाई बहन लोभ का त्याग नहीं कर रहे हैं। 3 प्रकार का नरकों का दरवाजा बताया, काम, क्रोध और लोभ, जिसमें ये भयंकर लोभ है महान नरकों का दरवाजा, संग्रह की और भोगों की इच्छा, ये काम और लोभ, ये बात है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि थोड़ा जागृत हो जाओ। क्या करें? एक तो चमड़ा काम में न लावे। एक बात और आई मन में, यदि भी मेरा कहने का मन इतना नहीं करता है, परंतु फिर आया कि जितने घर में सदस्य है उनकी एक एक मुट्ठी चून, एक एक मुट्ठी दाना अगर इकट्ठा करे और वो गायों की रक्षा के लिए लगे, तो इसमें भी बहुत काम हो सकता है और आपके घर का खर्चा कुछ नहीं, जितना खर्चा लगता है उतना ही। एक एक सदस्य एक एक मुट्ठी चून डाल दे, एक एक मुट्ठी दाना अगर अलग कर दे, वो संग्रह किया जाए और गायों की रक्षा के लिए लगाया जाए, तो बहुत सुगमता से बड़ा भारी काम हो जाए। ऐसी बहुत सी बातें है, आप लोग ज्यादा सोच सकते हो। ये भी मैंने अपनी प्रकृति से ऊपर कर कही है, काम में लावे तो बहुत अच्छा और नहीं लावे तो मर्जी आपकी। नारायण 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 नारायण। अब 2 बात आई है उसके विषय में कहता हूं। प्रायः सत्संग करने वाले भाई बहनों की शिकायत है कि जो हम सुनते हैं वो याद नहीं रहती, पल्ला झाड़ सत्संग होता है, उठते हैं तो पल्ला झाड़ करे चल देते, तो उससे कोई फायदा नहीं, कुछ लाभ नहीं, वो काम में आती नहीं, याद रहती नहीं। इस विषय के विषय में कहता हूं, जो आप ध्यान दे करके सुने, हम जब पढ़ते थे तो 2-3-4 साल हो गए, पढ़ते पढ़े 5-6 साल हो गए, तो परिचितों के पास में गए तो कि तुम सुनाओ, व्याख्यान सुनाओ। तो अब 5-7 साल हम पढ़े, व्याख्यान क्या सुना, तो इतना वर्ष पढ़े क्यों सुनाओ कुछ, तो हम नहीं सुना सकते। अब क्या सोचे ढाड़े द्वेश मात्र ऐसे सुना, अब पाठ सुना कौन समझे, तो फैल कर देते हैं कि 5-7 वर्षों से पढ़ता है कुछ नहीं सुनाया, व्याख्यान तो उसने सुना है। तो क्या पढ़ते हैं इस बात को पढ़ा हुआ आदमी जानता है, अपढ़ आदमी नहीं जान सकते। ऐसे पारमार्थिक बातों के सुनने से असर पड़ता है इसका, जो पारमार्थिक विषय को जानने वाला वही जानता है, दूसरा नहीं जान सकता। लाभ हुए बिना रहता ही नहीं, कितना ही पल्ला झाड़ दे तो आपकी बातें जाएगी नहीं, आप जोर से विरोध करे तो भी जो प्रेम से सुनते उनके लिए कहता हूं, आदर से आप सुनते और अच्छी लगती हृदय में जस्ती है, वे जाएगी नहीं, वो सच्चा अंश है, परंतु अभी काम में नहीं आता। जैसे 5-7-10 वर्ष पढ़े व्याख्यान नहीं दे सकते,
व्याकरण में प्रथम पास हो गए, मध्यमा पास हो गए, व्याख्यान दे पाता नहीं। अब पढ़े हमने जो व्याकरण पढ़ा है, न्याय पढ़ा है, क्या बताए वो क्या गए सामने। एक पंडित जी थे, राजा को कथा सुनाते थे, लड़के को पढ़ाया पंडित जी ने, काशी से पढ़ करके आया 8-10 वर्ष। और राजा ने पूछा कि आपका लड़का इतना पढ़ करके आया, कुछ सुना दे। तो वो व्याकरण और न्याय खूब पढ़ा था, तो कुछ सुनाओ। उसने क्या किया, कनस्तर में बहुत से कंकर डाल करके ऐसे ऐसे जोर से किया, खड़खड़ खड़ हो गया। तो सुनाओ, बस इसमें और मेरे सुनाने में कोई फर्क नहीं, मैं जितना पढ़ा हूँ वो सुनाऊंगा, तो ये सुन लो चाहे मेरी बात सुन लो। अब पढ़ाई की बातें सुनोगे तो आप क्या सुनोगे। जैसे अभी मैंने कहा, द्रव्य गुण कर्म सामान्य समवाय अभाव सब पदार्था है, क्या हुआ ये याद किया मैंने, न्याय को याद किया, वैशेषिक किया, सांख्य को देखा, योग को देखा। अब वो बच सुना गए तो क्या सुना गए, सूत्र सुना गए, वृत्ति सुना गए, उनकी व्याख्या सुना गए, भाष्य सुना गए, कौन सुन। इस वास्ते लिखा है, विद्वान विजानाति विद्वज्ञन परिश्रम नहीं वंध्या विजानाति गुरुवीम प्रसव वेदनाम। विद्या की परीक्षा विद्वान ही कर सकता है, मूर्ख नहीं कर सकता। दृष्टांत दिया है कि जो बांझ है, बांझ की जान प्रसव की पीड़ा, बच्चा पैदा होता है तो क्या हालत होती है बंजा को पता नहीं, जिसके बालक हुए हुई जानती। ऐसे ही विद्वान ही विद्वान के परिश्रम को जान सकता है, मूर्ख नहीं जान सकता। ऐसे जिन लोगों ने सत्संग नहीं किया है, साधना जोरों से नहीं उठी है, वे नहीं जान सकते कि सत्संग से क्या लाभ होगा, समझ नहीं सकते। उसमें से हम प्रवेश नहीं है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनकी तरफ ध्यान जाता नहीं है। मेरे ख्याल में आया है, व्याख्यान देते हुए मेरे को बहुत वर्ष हुए, 50 वर्ष से ऊपर हो गए, तो मैंने देखा है, मेरे विचार में आई है शब्द जरा अभिमान का अनुभव में आई है। व्यापार करने वाला जैसे व्यापार की बात के मर्म को जानता है, वैसे सुन सीख करके उस मर्म को नहीं जान सकता। मेरे ऐसा अध्ययन हुआ है, मेरे को इन बातों का पता है। ज्यादा समय आपका नहीं लेता, एक बात कहता हूं, व्यापार की बात मेरे से पूछी और मैंने उत्तर दिया, और वही बात श्री गोविंदगाजी के सामने आई और गोविंदगाजी ने उत्तर दिया, उन दोनों में मैंने देखा है, ये बीती हुई बात है। वे जितनी सुगमता से व्यापार की बात बता देते थे, उतनी बात मेरे द्वारा नहीं कही गई। उस विषय मैंने अध्ययन किया है, व्यापार के विषय में भी, आपका व्यापार उस विषय में मैंने सोचा है, समझा है, तो बहुत बातें मैं जानता हूं, बहुत बातों का हमें अनुभव हुआ है। यहां तक हुआ है, एक अच्छे व्यापारी ने ये कहा कि मैं तो व्यापार आपसे सीखा हूं, व्यापार करते मेरे से सीखते, बात पूछते, मैं बताता, फिर व्यापार करते, व्यापार में अच्छे होशियार हो गए, तेज हो गए। आजकल है उनकी बात कहता हूँ, पुरानी बात नहीं। तो भी व्यापार की बातें भी सुन सुन करके मैंने सीखी है, गृहस्थ की बात मैंने सुन सुन करके सीखी है, परंतु उनमें रहकर रसा पचा रहकर जो ऊंचा उठता है वो जानता है, जितना रसा पचा नहीं जानता,
संसार की बातों को संसार के साथ के साथ में मिलकर के तत्व से नहीं जान सकता, संसार के साथ मिलकर संसार से अलग होने पर संसार की बातों को जानेगा, और परमात्म तत्व की बातें परमात्मा के साथ एक हुए बिना नहीं जान सकता। दूर रहते हुए कितनी परमात्मा की बातें कर रहे, कितने ही शास्त्र पढ़ रहे, कितने ही अध्ययन कर रहे, वो नहीं जान सकता। अर्थ हुआ कि संसार के साथ मिला हुआ संसार के तत्व को नहीं जानता और परमात्मा से अलग रहता हुआ परमात्मा के तत्व को नहीं जान सकता। परमात्म तत्व को वही जान सकता है जो परमात्मा के साथ एक हो गया है, और संसार के तत्व को वही जान सकता है जो संसार से अलग हो गया है। तो संसार से अलग हुए बिना आप संसार के तत्वों को भी नहीं जानते, परमात्मा के तत्वों को कैसे जान सकते, और कैसे परीक्षा कर सकते आप कि ये कितना बड़ा है, किस विषय में बड़ा है, नहीं जान सकते। ये मेरा अध्ययन है, मैंने इस विषय में अपना माथा लगाया, और लगाया ही नहीं है, लगा रहा हूं अब भी मेरा अध्ययन, मेरी पढ़ाई जारी है। किस तरह से सुख से सुख उपाय से जीव का कल्याण हो जाए, ऐसी बातें मेरे को मिलती ही चली जा रही है। प्रत्येक वर्ष में विलक्षण मिलती है, प्रत्येक महीने में विलक्षण मिलती है, और अत्युक्ति न हो जाए, झूठ न हो जाए, प्रत्येक दिन में मिलती है, प्रत्येक दिन में इतनी ख्याल नहीं आई, परंतु बातें मिलती है। अभी बंबई में आने के बाद कई बात मेरे समझ में आई, इतना मेरा अध्ययन बढ़ा। अब दूसरा क्या जाने इस बात को कैसे समझेगा। हाँ, विशेषता से समझने वाला हो तो वो ध्यान देगा, सुनने में भी ख्याल करके और सुनेगा तो उसके ऊपर असर पड़ेगा कि स्वामी जी गए साल बात कहते थे उससे इस साल बढ़िया कहते हैं, इतना असर पड़ जाएगा। जो समझदार होगा ध्यान देगा, तो क्या समझेगा, क्या ध्यान देगा, बस कथा सुननी, वो सुना दी, रामायण सुना, गीता सुना, भागवत सुना दी, बस सुन लिया। ये ऐसी बात नहीं है, बड़ी गहरी बात है, विचित्र बात है। ये मैंने क्यों सुनाई, आप कहते हो मैंने सुना, हमारे काम तो आती नहीं, पल्ला झाड़ कथा होती है। सच्ची बात कोई कहने वाला मिल जाए और प्रेम से सुन ले, वो निरर्थक जाती ही नहीं, कभी निरर्थक नहीं जा रही। ना भाव विद्युत सतह, सत का अभाव होता नहीं, वो आपकी भीतर बैठेगी। इसकी क्या पहचान, आपको हमारे तो पता नहीं लगता। पहचान ये है कि सत्संग के भगत होने पर आप घर पर रह नहीं सकोगे, खींचोगे। चलो भाई सत्संग का समय, चलो ये कौन खींचता है, आपके भीतर जमा न हो खेस दे हो खेस नहीं सकते। ये जो रुचि है आपकी, ये रुचि कहती है कि आपके भीतर में संस्कार बैठे हैं, आप उनको जान नहीं सकते, इस विषय में प्रवेश नहीं है, परंतु लाभ होता है, होता है, होता। अब दूसरी बात सुने आप, वो लाभ आप किस अटकल से अटकलते हैं, आखिरी दर्जे की बताए तो कामना है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये नहीं नष्ट हुआ तो क्या हुआ, ये नष्ट हुआ नहीं हुआ तो क्या हुआ, ऐसी बात नहीं। आप थोड़ी कृपा करें, मेरी बात की तरफ ध्यान दें, आप सत्संग सुनने वाले हैं। विश्वामित्र पराशर प्रभदयो वातांबु परनाशना ते श्री मुख पंकजम सुललितम दृष्टैव मोहंगता। विश्वामित्र पराशर व्यास जी के बाप होते, वातांबु परनाशना, पवन पी कर रहते थे, जल पी कर रहते थे, सूखे पत्ते खा कर रहते थे, और वर्षों तक तपस्या करी है, उनके भी महाराज ये दोष घट गए। स्त्री मुख पंकज, स्त्री का सुंदर मुख देख करके मोहंगता, शाल्यन्नम सघृतम पयो दधियुतम ये भुंजते मानवा, तेषाम इंद्रिय निग्रहो यदि भवेत विंदस्तरे सागरम। जो बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं, बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, बढ़िया दृश्य देखते हैं, और के हमारा मन बस में हो जाए,
विंध्याचल तर जाए समुद्र के ऊपर, होना का नहीं है तो हमारे नहीं होगा सज्जनों, पूर्णता नहीं होगी। पूर्णता उसमें समय लगेगा। हुआ कैसे नहीं है, एक का का जिसने पढ़ा है, एक अक्षर सीख दिया है, वो जो शास्त्री और आचार्य है उस कारण से वो पढ़ाई हुई है, पढ़ाई करता है। क ख ग घ ग पांच अक्षर पढ़ लिए, याद कर लिए, याद करने पर लिखा हो तो लाइन बंद पांचों लिख देगा, बट घ ऐसा लिख दिया क्या है, ये क्या है, क ख ग घ है ऐसा बोले, जल्दी नहीं बता सकते तो क्या पढ़ा, इसे पढ़ाई हुई नहीं, ऐसा नहीं कह सकते पढ़ाई नहीं हुई, हुई आता नहीं है भगत पर, ये पढ़ाई का ही चिन्ह है आपके, ये सत्संग करने का ही चिन्ह है। जो भगत पर काम में नहीं आती है यह बात पैदा होती है, सत्संग नहीं करते उनके पैदा होती है क्या, कभी तो काम में नहीं आती, ये काम में आ रही है उसकी पहचान है ये, पर ये तो आपको काम में आती नहीं, इतना ही कहते। तीसरी बात, भूख लगने पर भोजन का पाचन होता है और शक्ति आती है, और बिना भूख भोजन किया हुआ होता है उससे पाचन नहीं होने से शक्ति नहीं आती। ऐसे आपकी भूख लगी होती सत्संग की और ढूंढते खोजते इधर उधर जाते और फिर बात मिलती तो आपके वो असर करती पचती। आप तो रुपये कमा रहे हो, आराम कर रहे हो, बत्तियां लग रही है, पंखा चल रहा है, आराम कर रहे हैं, गर्मी ज्यादा न हो जाए तो फुहारा छोड़ रहे हैं, ठंडी रहे, गर्मी न हो जाए, ऐसी बातें करके सत्संग सुनते हैं, सुनने की इच्छा है नहीं, चलो ये भी एक तमाशा है। देख भूख कहाँ लगी बाबा, भूख लगती जंगल में भटकते, जगह जगह जाते तो पता लगता, फिर बातें सुने असर ना हो, भूख लगने पर वो रुचता है, जसता है, पसता है, नहीं तो रुचता नहीं, जसता नहीं, पसता नहीं, तो लाभ पूरा न होने में ये कारण है। आपके घर पर आकर सुनावे तो ठीक, स्वयं ज्योति जी महाराज थे, बीकानेर में नृसिंह सागर पर ठहरे हुए थे, एक भाई ने कहा कि महाराज हमारी बगीचे में आ जाए, अच्छा है, नृसिंह सागर दूर पड़ता है, बगीचे में आ जाए हमारी बगीचे में तो नजदीक पड़ेगा। बाबा जी बोले कि तेरे घर पर आ जाऊं। अब बाबा जी नजदीक आ जा हमारे सुपर, ऐसा नहीं कि हम जाकर लाभ ले लें, ये नहीं है महाराज। समय कौन सा रखा जाए, जो काम धंधे का नहीं है वो सत्संग के लिए हमारे खा जाए, फालतू समय भजन ध्यान के लिए रखा जाए और असर नहीं हुआ सर। असली समय तो रुपया कमाने में लगता है, फालतू समय इसमें लगाते हैं और लाभ देखते हैं असली हो जाए, ये कैसे हो जाएगा। देश में मालिन बेर है, साग है, बेचती है, वो आकर साहब ने रखती है, फोरा ले जाता है धान, तो धान दे दिया उसने, बेर दे दिया, साग दे दिया, और दे दे एक दो और दे देती है, तो और दे तो वो कहती है कीड़ो तो संभाल है थारो, कीड़ो तू कितना लाया है धान, वो तो देख कितना लाया है, मेरे से दे दे, दे 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 दे, खर्च कितना किया है। ऐसे आपसे पूछा जाएगा आपने खर्च कौन सा समय किया है, आप असली नींद का समय खर्च किया है, व्यापार का समय खर्च किया है, असली काम का समय खर्च किया है, सत्संग करते हैं आप आए नहीं। आज तो आते थे परंतु एक आदमी बात लग गए तो भूल गए, फिर देखो वो समय तो हो गया, इबरा नहीं आया तो कल नहीं आए आप, कल तो बिल्कुल आने को तैयार थे हम, अरे बिल्कुल ही तैयारी हो गए, परंतु महाराज असली मुकदमे की बात आ गई तो उधर चले गए, इस बार नहीं आ सके। फिर पूछा परसों आप नहीं आए, महाराज क्या घर बात ऐसी थी, भोजन करके और मसंद के सहारे हुए तो नींद आ गई।
नींद खुली तो देखो घड़ी में टाइम हो गया सचल तो हो गया, इस बार से नहीं आ सकते। घर का कोई काम न हो, बात करने वाला आदमी न हो, नींद भी नहीं आवे, ऐसे फालतू समय में सत्संग करें, ये कीना संभव आपका? आप कितना खर्च करते हो, फिर को अगर लाभ होता है नहीं होता है? आप जितने लगन से आते हो उतना से लाभ ज्यादा होता है, ये एक पक्की बात सच्ची बात है। आप जितने दाम खर्च करते हो, वो समय खर्च करते हो, उसकी अपेक्षा ज्यादा लाभ होता है, इसमें मेरे संदेह नहीं। असली इसको कीमत दो तो बहुत ज्यादा लाभ होगा। इस बात तो काम कुछ आता ही नहीं, हम लोग पल्ला झाड़ सुनते हैं। एक जो क्या हुआ है, ये कहना शुरू कर दिया, अब ये सुनने से क्या होता है, क्या लाभ होता है? एक ने कहा, दो ने कहा, तीन ने कहा, चार ने कहा, अल्लाह बचा लिया। पांच सात दस ब्राह्मण थे, अच्छे आचरण वाले, उनके मन में आ गई कि ये मदिरा पीते हैं हमारे, तो हम पी ले तो पंक्ति बाहर कर दे, अब कितना उसमें रस है देखो। तो एक थोड़ी कटे हुए सब दरवाजा बंद कर दिए, इसके भीतर कोई नहीं आ रहा। अब लगे पीने को, हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, हल्ला मत कर, देना बोलो मत, हल्ला मत, हल्ला हल्ला में हल्ला करो। अब मदिरा पीला थोड़ा बहुत और नशा आ गया, हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, हल्ला हो गया। तो वो हल्ला न करो, हल्ला न करो, मैं हल्ला हल्ला हो गया। ऐसे ही एक ने कहा, दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, सब कह रहे हाँ सा काम काम नहीं आती, हाँ सा काम नहीं, हाँ सा काम नहीं आती, हाँ सा काम नहीं आती, ठंडे विचार से सोचते नहीं है कि हमारे कितना काम आया, कैसे कैसे आए। हमने ऐसी बातें देखी है सज्जनों, काम क्या नहीं आवे, सत्संग करने वाले हैं और उनके आपस में खटपट होती है, उसको मिटाने जाते हैं तो बहुत जल्दी सुलझ जाती है, और सत्संग नहीं करते सुलझाए तो हमारे से लड़ पड़ेंगे, सुलझेंगे बीती हुई बात। तो तू सुनने वाला कौन लड़े, तो सत्संग सुनने वालों में असर है, इसमें संदेह नहीं है। हमने तो गांव में फिर भटक करके देखा है, जिन गांवों में 100-200 वर्षों से कोई संत आए नहीं, सत्संग नहीं हुआ, वे गांव आप देखो तो भूतों का खड़ा है, कोरा ऐसा है, बिल्कुल पशुओं की तरह। जिन गांवों में संत लोग घूमते रहे हैं, उन गांवों में देखो तो उन गांवों की अपेक्षा वहां विलक्षणता है। कोई भी संत नहीं बन गए, त्यागी नहीं बन गए, किसी छोड़ नहीं दिया, परंतु उनमें फर्क है। जंगल प्रदेशों में अच्छे संत व्याख्यान देते हैं कि सुनाते हैं, और सुनने वाले जिसे सुनते हैं उस आदमियों में फर्क है दूसरों की अपेक्षा। पता कब लगेगा कि जब दूसरों के साथ आप मिलोगे तो लगेगा, घर में पता नहीं लगेगा। आप जानोगे क्या पता लगे? देव जी कटनी वाले वहां रहते थे, ऋषि के स्वर्गाश्रम में, वो कहते थे कि मैं जब कटनी गया और लोग मिलते और बातें करते हैं तो पता लगता है ये अपने बहुत कुछ है अपने से। तो जो सत्संग नहीं करते ऐसे आदमियों से आप सुनो, बातें करो, उनका व्यवहार देखो, तो आपको होश होगा कि कितने समझ में आई है, क्या फर्क पड़ा, ऐसी क्या फर्क पड़ा। कोयल भी काली होती है, कौवा भी काला होता है, फर्क नहीं दिखता, पर बसंत आती बोलता है ना तो काय काय वो करता है, वो पी हूँ पी हूँ, वाणी से पता लगता। इस बात से गोस्वामी ने कहा, मज्जन फल देखिए तत्काला, ये साधु समाज प्रयाग है, इसके स्नान करने का तत्काल फल होता, तत्काल लिखा है। साधु समाज प्रयाग में मज्जन फल, दान करने का फल देखिए तत्काला, काक हो ये पिक और बक वो मरा ले, कौवा होता है वो कोयल हो जाता है, बुगला होता है वो हंस हो जाता है, बगुले का कौवे का हंस नहीं होता, मानो रंग नहीं बदलता ऊपर का, जैसे हंस के विवेक होता है
खीर दूध दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है, और कौवे का वो बर्ताव नहीं, वो वाणी नहीं जैसी वाणी कोयल की होती है। तो उसके व्यवहार और विवेक इसमें फर्क पड़ता है, जरूर फर्क पड़ता है। पर उसकी पहचान किसको होती है? विद्वान एक विजानाती विद्युन परिश्रम, जो अच्छे संत है वो देखते ही परख ले गए थे, हाँ भाई है किसी का। एक बूढ़े संत थे, वो अपनी बात कहते थे, बैराग्य से साधु हुए, राम राम करते थे, चले गए जोधपुर, वहां मोती चौक में भुक्तराम जी महाराज हुए, उनके सामने वो राम राम करने लगे, कह रहे ये सुलझो सुलझो ये सुलझो सुल, मन ये आग लगी हुई है, और भजन करने वाले भजन कर को पट बता दिया कि जैसे आग लगी, तो दूसरे क्या पता लगे, दूसरे कैसे पहचाने? ऐसे संतों के सामने जाने पर सत्संग करने वालों की पहचान वे संत कर लेते हैं, उनके बात को काट जाते हैं, ऐसे तो संत मिला, कोई सत्संग मिला है, कोई नहीं मिला, तो आपके तो कुछ फायदे खतरा पल्ला झाड़ सत्संग पल्ला झाड़ नहीं होती, असर हुए बिना रहेगा नहीं। एक कहानी आती है, डाकुओं का दल था, उन्होंने ये शिक्षा दी कि अशुचि प्रतालिया गीता के 16 अध्याय में भी उनके व्रत भी होते हैं, अपवित्र व्रत होते हैं, नियम होते हैं। तो वो बड़े बूढ़ा था, वो कहता था देखो कई कथा हो तो सुनना मत जाना, सत्संग होता हो कथा कीर्तन होता हो तो वहां मत जाना, वहां जाना होगा तो तुम्हारा काम बंद हो जाएगा, तो कभी मत जाना, सुनना नहीं, और कहीं जा रहे हो बीच में कोई कथा होती हो तो जोर से कान दबा लेना, अच्छी तरह से सुनना नहीं, शिक्षा दी हुई। एक दिन एक वो जाने लगा डाकू, वो तो जाने लगा तो बीच में व्याख्यान हो रहा था रात का समय, और गली दूर करके बहुत थी, रास्ता वहीं जाना था, वो जाने लगा, जाना लगा तो विचार किया भाई हमने सुनना तो है नहीं, जोर से कान दबा लिए, दबा करके चला, चलते हुए कांटा गड़ गया, पग में कांटा गड़ गया, तो एक हाथ से कांटा निकाला फिर दबा के फिर चला। उस समय कथा के प्रसंग में सुनाया कि देवता के छाया नहीं होती, फिर कान दबा लिया, डाका डाला राजाओं के बड़ों के, देवी की पूजा करते थे, तो ये गुफिया पुलिस होती है CID विभाग, वो विभाग जांच करने को गया तो उनको शक हुआ, तो वो देवी बना काली देवी, सब कोला लगा करके ऐसे किताब बखेर कर गए, ऐसे जीभ निकाल कर पहुंचा और कहे तुम्हें इतना धन खा लिया वहां का, हमारी पूजा नहीं की, नष्ट कर दूंगी सबको, खत्म कर दूंगी, तो सब कहे हाँ हम करेंगे सब पूजा करेंगे, जरूर करेंगे, तो भूल हो गई अब पूजा जरूर करेंगे, तो तुम इतना धन लाए थे ना वो सभी कहो फिर आरती करो, देवी आई है पूजन करो, फूल चढ़ाओ, आरती करो, आरती करने लगे तो उसकी छाया पड़ी, तो वे सब तो डर गए, वो कह रहे थे देवता की छाया नहीं होती, इसकी तो छाया है, कहा देखो ये देवी नहीं, देवी की छाया होती है, देवी की छाया नहीं होती और ये छाया पड़ती है, देवी नहीं है नहीं, कहा अब तो पकड़ लगे मारने, तो चोर तू है हम चोर कहते हैं, हमें कोई ज्यादा जा रहा है नहीं, हम चोरी की नहीं, लगे मारने से भागा, तो कह रहे एक दिन सुना जिससे ये फर्क पड़ा, फर्क नहीं पड़े कैसे, अब एक सुना ही नहीं रहे, सुना फर्क हुआ कि नहीं, ऐसी क्या फर्क पड़े भाई, माफ लो तोल कर लो क्या कुछ फर्क नहीं, सत्संग कर रहे हैं मापो उसको बड़ा लंबा थोड़ा कुछ नहीं हुआ, तोल लो कुछ फर्क, तोल दो तो फर्क पड़ा नहीं, परंतु बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, ठाकुर जी भोग लगाते हैं एक तोड़ा कम नहीं होता, और प्रसाद लेने को लगभग करोड़पति हाथ फैला देते, कण का मात्र इतना सा कण का दे दो राजी हो जाए, प्रसन्न हो जाएंगे, क्या है भगवान का प्रसाद है,
भगवान के अर्पण किए हुए पदार्थ में विलक्षणता आती है, हर एक नहीं दे सकता, भाव वाला दे सकता है। वैष्णवे भगवत भक्तो प्रसादे हरिनाम नीचे अल्प पुण्य बताम श्रद्धा यथावन नहीं बजाए थे। भगवान के भक्तों में, भक्ति में और प्रसाद में और भगवान के नाम में थोड़े पुण्य वालों की रुचि नहीं होती, वो पहचानते नहीं। पुण्यशाली होते उनके मन में आती है प्रसाद, ठाकुर जी का प्रसाद विचित्र लगता है। तो वो समय हरे को आप बताओ क्या विचित्रता, कुछ नहीं दीजिए। अरे विचित्रता होती है, भगवान के अर्पण किए हुए प्रसाद में विचित्रता होती है। अर्पण करने वाला जितना ही भाव से करता है उतनी उसमें विलक्षणता आती है। पूरा नाटक करने से भी न करने की व्यवस्था अच्छा, भगवान के सामने करोगे वो भी अच्छा, पर भाव पूर्ण करने से उसमें बहुत विलक्षणता आती है। स्वाद में फर्क पड़ जाता है, भाव में बड़ी भारी शक्ति है। ऐसी बातें देखी हुई केवल सुनी हुई नहीं, शास्त्रों की बातें। भावपूर्वक भोजन देता है, भावपूर्वक भोजन कोई गृहस्थ किसी साधु को अन्न देता है, जितना भाव तेजी का होता उस अन्न में भी लिखनता होता, दूसरा अन्न ऐसे नहीं। चीज एक हुई, एक जगह की बात है, ऐसा भोजन बनाया रह गया दो तीन दिन तो खराब नहीं हुआ, इसे विलक्षणता वो भोजन आ गया और खाने पर असर पड़ता है। जानने वाले जाने दूजा क्या जाने, औरों को पता नहीं है, जैसे कि लागी है सोई जाने दूजा क्या जाने रे भाई, घायल की घायल सोई जाने राम भजे सोई मन माने। भाव लग जाए तो घायल कैसी पीड़ा होती है वो घायल ही जानता है। एक संत थे कि महाराज आप भजन करते हो क्या अनुभव बताओ, कि भाई अनुभव तुम करो हम करते नहीं, हमारे अनुभव बताओ आप अपना अनुभव बताओ। पीछे पड़ गए, ज्यादा कहने लगा तो उन्होंने पत्थर मारा है। पत्थर क्यों मारा है, क्या होता है, पीड़ होती है बताओ, हम पीड़ बताओ, पीड़ बताओ, तो पीड़ हुई हमारे क्या मारे, पीड़ बताओ, अब पीड़ बता दो यार, दर्द बताओ कैसे दर्द हुआ। हम कहते नहीं वो कि बाबा आपको क्या पता मेरे दर्द हुआ है, अब बताओ हमें दिखाओ, दिखा देगा ये दर्द है। तो दर्द भी नहीं दिखा सकते तो पारमार्थिक बात दिखा दो, जो फूल शरीर में है वो भी दिखा नहीं सकते, फर्क न पड़े हो ही नहीं सकता, कभी विचित्रता होती है, बहुत विचित्र फर्क होता है। परंतु इस विचित्र का देखने वाले ही जानते और नहीं जानते, दूसरों को पता नहीं। साधारण आदमी क्या जाने, तुम सत्संग करते क्या हुआ तुम्हारे, तुम्हारे जैसे हम है हमारे जैसे तुम, हाथ पांव नाक कान क्या फर्क है आपके, हमारा का कुछ फर्क नहीं, ठीक है। अरे काक वही तिक बक मराला कोला, काक कौआ भी होता है कोयल भी होती है, वाणी में फर्क पड़ता है, विवेक में फर्क पड़ता है, जीत की वृत्तियों में फर्क पड़ता है। सत्संग करने से पहले हरे के साथ बर्ताव करते थे तो क्या असर पड़ता था, अब क्या असर पड़ता है, सत्कार धमका भी आ जाए तो इसी से क्या रहता है, फर्क होता है गरीब, मैं तो समझता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता है फर्क ना हो। ये बात अलग है कि सत्संग जिनका करते हैं वो वास्तव में अनुभवी होने चाहिए और सुनने वाले जिज्ञासु होने चाहिए। पारस तेरा गुण किसा पलटा नहीं लोहा, क्या तो निज पारस नहीं का बीत रहा बिछोहा। पारस कहते छुआने से लोहे का सोना बन गया और आपने छुआया और सोना बना नहीं, तो क्या तो निज पारस नहीं, वो पारस नहीं पत्थर का टुकड़ा होगा पारस होगा नहीं, और पारस है तो आपका लोहा असली लोहा नहीं होगा। और दोनों ठीक है तो बीच में कोई पत्ता रख दिया और कपट न रख करके सौदा के समय फर्क पड़ेगा रहता ही नहीं, उसने कुछ बीच में व्यवधान डाल दिया। ये व्यवधान विचित्र विचित्र व्यवधान होते हैं जिसका वर्णन थोड़े समय में क्या करें। हम भी पारमार्थिक रस्ते में चलने वाले, आप भी पारमार्थिक रस्ते में चलने वाले, परंतु हमारी दीक्षा हुई है वैष्णवों की, आपकी दीक्षा हुई शैवों की,
हमारे संस्कार है कि शिव ठीक नहीं होते, शिव को होता विष्णु ठीक नहीं होते, ऐसा विचार है। अब बढ़िया से बढ़िया हम बात सुनाएंगे दूसरे नहीं लगेगी क्या आर बजा दी। अरे वैष्णव देव क्या हमारे गुरु परंपरा ये हम नहीं सुने तुम्हारी बात कितनी बढ़िया वो नहीं सुनेंगे। अब आग लगा दी बड़ी जबरदस्त बढ़िया और पारमार्थिक बातें ऐसे सगुण में निर्गुण में साकार में निराकार में राम कृष्ण आदि में महाराज जय श्री कृष्ण गए जय श्री राम नहीं गए क्या हो रहा है क्या समझेंगे। मैं नहीं कहता हूँ जय श्री कृष्ण को और राम न कहे तो कोई पाप है ऐसा नहीं, परंतु राम कहने वालों में भी कोई कोई रत्न होते हैं, ऐसा नहीं कि कृष्ण नाम कहने वालों में तो होते हैं शिव जी की उपासना में नहीं होते ऐसा नहीं, परंतु संप्रदाय ऐसी बात बढ़ा देते हैं कि देखो बस यही होता और कुछ नहीं होता तो मेरा निंदा और शुरू कर देते हैं। असर क्या पड़े बिल्कुल कोल रह जाते ऐसे पड़े कैसे भावी जी जो भरे हुए ऐसी कई बातें हैं उन बातों के कारण से ऐसा प्रतीत नहीं होता, परंतु रुचि से सुनता है और ठीक बात समझ में आती है वो काम आवे अभी चाहे आवे चाहे ना आवे ऐसी बहुत सी बातें। एक कहानी है वो सुनाई हुई है फिर भी सुना देता हूँ। दो भाई थे, छोटा भाई सत्संग करता था और बड़ा भाई है उसको सुहाता नहीं, परंतु आपस में प्रेम होने के कारण से लड़ाई नहीं करते, पर समझा छोटा है देख चला भी ये साधुओं को जाता है सत्संग सुनता है कितना नुकसान करता है। मैं भी तो समझा रहे कैसे क्या नुकसान करता है कि साधुओं के पास जा तो वहाँ काम तो धंधा होता नहीं घर का, और पहले कमाया हुआ तो खर्च कर देता है, नया कमाता नहीं दुगुना घाटा होता है, बताओ नहीं होता क्या। अब बाबा जी कुछ दो खिलाओ कुछ भेंट करो कुछ कपड़ा दो कुछ कुछ दो तो घर में खर्च करो और फिर बैठ कर पास में रुखा रहो उनको, उनमें भी समय लगता है कि नहीं। तो समय खर्च होता है और पैसे खर्च होते हैं, और देखने को समझा रहे थे बड़े भाई के धारण वो सत्संग करता वो जहाँ कहीं पूछता कि महाराज हमारे भाई जी का कल्याण हो जाए तो तुम लाओ सत्संग करें बात करें उनसे, क्योंकि वो आता नहीं वो मिलते ही नहीं फालतू समझते हैं फालतू नहीं हानिकारक समझते। तो भाई बिना मिले हमारे पास तू मंत्र को बताएंगे ऐसे कर दे हो जाए किस तरह से मिला हो कैसे मिला है। तो संतों ने कहा एक तुम ऐसा काम करो तुम्हारे घर रसोई बनाओ और हमारे को निमंत्रण दो और हमारे को ले जाओ तो बजते हुए गाजे बाजों के साथ ले जाओ खास बात ठीक है उनके घर पर रखना तुम्हारे पिताजी माँ भाई जी मैं मिल लूँ। अब रसोई बना ले लगे सामान ले क्या आया है संतों को रसोई देंगे किसी कैसा देकर निरंतर पैदा करते हैं एक कौड़ी भी पैदा नहीं वह खर्चा रहता क्योंकि भाई ये कोई बात नहीं। भाई जी कल तो आप यहाँ थे भाई मैं भी कहते कि संत आएंगे मेरे से देखा नहीं जाएगा भाई फालतू खर्चा बिल्कुल कौड़ी है कि पैदा रहे और फालतू खर्च करना हमें से देखा नहीं जाएगा। भाई जी ठहरो आज हम जाओ मत ठहरो बहुत ज्यादा का इधर में वो बाजे बजते आ रहे हैं महाराज आ रहे हैं महंत जी महाराज बड़े महंत आ रहे हैं सुना बाजा उसने कहा भाई ये महंत जी मेरे से सुना नहीं जा रहा ना देखा जा वो घर में घुस गए और बंद कर दिया मैं देख नहीं सकता कोई बात नहीं। बाजे बज के आ गए साहब आ गए संतों में पंक्ति लग गई पूछ रहे भाई जी कहा है कोठे में इसके भीतर है ठीक है। अब बैठी पंचो मधस्ताघ महुरव्यय परेद सवेद परोषण गीता की ध्वनि भीतर बैठा बैठा कर देखो मुंह पर तुम्हें मोड़ा माल खावे और हल्ला करे जोर क्या है
क्या करें, घर में ही ऐसा आ गया। अब सा वो भोजन हुआ, भोजन के बाद में श्लोक बोले, फिर जथा कथा संभ्रमण करके आत्मन हुआ, फिर गाजे बाजों के सीख रवाने की। तो महाराज से उन्होंने कह दिया जो मुख्य थे, सबको ले जाओ बाजे बाजों से। तो बाजे बाजों के सीख ले गए, उसने सुना दिया बाला आ गई। अब वो खोला, दरवाजे बाहर से बंद था, अरे खोल खोल, तो खोल दिया, बाहर निकला बाबा जी हाथ पकड़े। तू पकड़ का हाथ क्या बात है, कि मेरी बात सुनकर सुन ली बात को, घर को खा गया आपके बात की, खर्चा कर दिया एक तो सुन थोड़ा ही नहीं छोड़ता, जरूरगा नहीं कसम का बाबा जी चेता करे, छोड़ा नहीं, छोड़ता कि नहीं ना छोड़ूंगा कैसे, तेरे घर का अन्न खाया है, नहीं छोड़ूंगा। तो अन्न खिलाया, कोई गुना किया गया मैंने, गुना नहीं, तेरे घर का अन्न खाया है, कैसे छोड़ेगी, कैसे छोड़ेगा। मैं कहता हूँ तो राम राम बोल, राम राम बोल, मैं नहीं बोलता, फालतू बात कौन नहीं बोलता, तो मैं नहीं छोड़ता। बोले अंत में बेचारा हार गया, क्या फटू छुड़ाओ पिंड के सुरे से ही, तो क्या राम राम राम। एक बात और याद रखना, क्या इसकी बिक्री मत करना, बिने लगाया वो पूरा पान भी कोई नहीं देगा। अभी जार कहूँ राम राम राम, पान दे दे तो नहीं देगा, बटता क्या है, कुछ भी मत बटती है, बिक्री मत करना है। चले तो महाराज मकान बन गया बराबर। अब वो का वो काम, वो का वो अपनी दुकानदारी, वो करता है झूठ का, पर जो कुछ वो ये करता है। अंत समय में गया जमराज के हिसाब हुआ कि कुछ काम अच्छा किया, एक संत के कहने से चार नाम दिए, उम्र में इतना काम किया, और तो सब पाप ही पाप ऐसा ही है। उसको पूछा गया, अरे भाई उम्र में क्या किया, कैसे कमाता खाता हो रहा, तो चार नाम तेरा लिया है, क्या लेगा इसका। वो याद आया, बोले कीमत तो कुछ होती, पता लगा कि इसकी कीमत होती है, कहते मैं तो बिक्री करता नहीं, कुछ ले ले जो लैसे दे दे तुम्हारे जो चाहे चल साथ है, बोल कि नहीं मैं बिक्री करता ही नहीं। बढ़िया है ना, वो समझदार होते और दाम बताएंगे बिल्कुल, कि ना मैं बिक्री नहीं करता। बहुत तंग किया, वो भी समझा कि बिक्री नहीं कर रहे हमारे क्या फायदा, थोड़ा मन तो चलेगी बढ़िया चल, मैं बिक्री करता ही नहीं। बहुत ज्यादा तंग किया तो बोला, देखो तुम अपने धर्म विचार करके, राम विचार कर, जो इसकी कीमत हो दे, मैं तो बिक्री करता नहीं, अब कीमत हो दे तो आगे भी कीमत इसकी कितनी होती है। अब वो आप जाने, हमें तो बिक्री करना नहीं, ज्यादा तुम तंग करते हो, दे दो। धर्मराज ने कहा, भाई इतनी नहीं है, उसको तो जो चाहे सुई दे दो, ये बात है। भगवान नाम के विषय में अनंत है, भगवान के नाम हरि अनंत, हरि कथा भगवान अनंत है, कथा अनंत है, नाम अनंत है, महिमा अनंत है, अनंत की सब अनंत, वो कुछ मांगता नहीं। तो चलो भाई उसको भगवान शंकर के पास चले, शंकर के पास ले गए तो बजा कंधा दिया हुआ। शंकर के पास पहुंचे, क्या बात है कि महाराज ये भजन करने वाला जमराज ने कंधा दिया है, उसकी कीमत के दो चार सौ दे दोगे, बराबर ये तो हमने कर लिया, लेता है ही। वहां पता नहीं लगा, फिर ब्रह्मा जी के पास, इंद्र के पास, ब्रह्मा जी के पास, फिर छेड़ बैकुंठ पहुंचे। वहां पहुंचे, सबके कीमत कितनी होती है, जो लैसे दे दो तो ऐसा सभी का है, नहीं दे तो कहता पूरी कीमत होगी, दे दो हमने बिक्री करना ही नहीं है, जो इतना है ही नहीं। वहां पहुंचे भगवान, ये क्या बात है, अब राज एक तो जमराज ने कंधा दिया है, एक शंकर ने, एक ब्रह्मा जी ने, एक इंद्र ने, पाल सिंह बैठा हुआ गया हूं। पूछा कि महाराज बात क्या है, भगवान ने भगवान से कहा कि महाराज इसने भगवान का नाम लिया एक संत के कहने, इसकी कीमत क्या होती है।
कीमत जो मांगे तो मांगता है ही नहीं, बिक्री करता ही नहीं। ये कहता है जो कीमत हो सो दे दो, तुम विचार करके ऐसा कहता है। तो तुम ठाकुर बोली मिलेगा आप बढ़ाए, आप लोग जाओ। वैकुंठ पहुंच गए। ये कहानी है, शास्त्र की कोई प्रतिष्ठित कथा हो ऐसा नहीं, कहानी है। परंतु भगवान नाम की, भगवत विषय की बात का कितना महत्व है, इसको हर एक आदमी नहीं जान, नहीं जान सकता। कागज के पुर्जे में और नोट में क्या फर्क है? और गांव वालों को दिया जाए उसमें ही भुजा लेकर भुजा खा ले आदमी, फेंक दे। आप भूजा कर फेंक दे, अरे 100 रुपये का नोट है, पता है क्या? 20 रुपये का अनजान के तो कागज का टुकड़ा है। ऐसे भगवान का नाम कागज का टुकड़ा है। परंतु महाराज जानकार जानते हैं कि इसमें क्या ताकत है, इसलिए सत्संग में कितनी ताकत है इसलिए जानता नहीं। पर यह निश्चय समझो कि निष्फल जाता है, सफल जरूर होता है। महाराज को घड़ी दिखाते तो समय ज्यादा हो गया। इतनी बात मोटी मोटी सुन लो, अपनी मोटा मोटी बात है कि सत्संग रुचि से सुनता है, सुनने वाला भी रुचि से सुनाता है, वो भी उसमें कुछ गहरा उतरा हुआ है। ऐसे दोनों सत्य होते हैं, उनका असर बहुत विशेष होता है। नहीं तो भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल अभिजत हो। भाव और कुभाव होता है तो भी मंगल होता है, पर सद्भाव हो तो कहना ही क्या, सादर सुमिरन दे नर करही तो भव बार भी गोप दई करही। आदर से दिया जाए तो बहुत विशेष है, नहीं तो लाभ हुए तो नहीं रहेगा होगा। और बात छेड़ना और क्या देंगे, अब कहते मन नहीं लगता एक बात और बाकी रह गई। तो मन लगना और न लगना इतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी आपकी रुचि है उसकी महिमा है। ये विषय फिर छोड़ो, अभी समय नहीं रहा। ऐसी आप अपनी बात पूछो तो हमारे बड़ा उत्साह होता है कहने कि हमारी बात कोई सुनता तो है। आप शंका ही नहीं करते तो हम क्या समझेगा, आप सुनेगा समझे ही नहीं समझे। प्रश्न उठता है अभी समय, कुछ नहीं सुनता तो प्रश्न नहीं उठता, और पूरा समझता है तो प्रश्न रहता नहीं, अधूरे समझे प्रश्न रहेगा ही। तो प्रश्न कहता है इसका अर्थ है कि कुछ समझते कुछ जानते। ऐसे पूछा करो अपने बीती हो जाए बात सुना। हरे राम 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 हरे 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 Yeah.
राम हरे राम 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 हरे हरे की जय मोर मुकुट वंशी वाले की जय राम।